मैम मैम, इसको हम नहीं समझे। जाओ अपना सीट में जाओ, पढ़ता नहीं ऐसे बेकार में आके पूछते रहते, बैठ के पढ़ो, जाओ। इतना इजी है, पढ़ाई करो ना। क्लास में ध्यान नहीं, अभी ऐसे पूछते रहते बेकार में। इतना इजी है, पढ़ाई करो, पढ़ता नहीं ऐसे पूछते रहेगा। आप लोग को प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ाया मैंने? यस सर। एक्चुअल में ये असली चीज को आप लोग यस एक्चुअली सर, हमारे क्लास में भीम सर अभी तक नहीं आए। भीम सर नहीं है? नहीं सर, नहीं है। हम लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं। ओके ठीक है, आप जाइए। देख रही हो मैम? भीम सर, ये मैम आप दोनों क्या बच्चा को क्लास नहीं ले दिया क्या? बच्चा लोग हमको बोलने आया था। सर हम तो अभी आया है ना, मेरा क्लास खत्म हो गए तो खत्म हो गया, तो आना ही है ना ऑफिस में। अदुनो एटलीस्ट क्लास ले देना चाहिए, बच्चा लोग आपको ढूंढ रहा और प्रिंसिपल भी नहीं है। सर खत्म होके तो आया है, बेकर में तो नहीं आया ना। सर अपना क्लास के लिए टाइम है ना, कुछ नहीं, चिल कीजिए, हो जाएगा। मैम ऐसे नहीं होता ना, बच्चा का फ्यूचर हम लोग का ऊपर में होता है। एजुकेशन कोलैप्स मीन्स हमारा फैमिली में एतम्बम गिराना जरूरत नहीं होता है, दो जनरेशन ऐसे ही खत्म हो जाएगा हमारा। आप दोनों को समझना है, बच्चा का फ्यूचर हम लोग का हाथ में है और ये हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे यार पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। चलो बच्चों हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? तो आप लोग को इंटू आता है? नहीं आता है ना। ये एडिशन का मतलब क्या होता है? प्लस। हाँ, और सब्स्ट्रैक्ट का मतलब माइनस। गुड। और आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स। अच्छा आप लोग का सिलेबस कैसे चल रहा है? मेरा तो ठीक ही चल रहा है सर। सर का तो सर आपका? यस मैम। सब लोग तो अच्छा ही पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो आमो सर, जो उसको पता ही था कि कल दीदी ऐसे इंस्पेक्शन करने आने वाला था बोलकर, लेकिन वो क्लास भी एब्सेंट हो गया, तो क्या हो गया उसको? आप लोग को कुछ खबर है? एक्चुअली मैडम आपको ये चीज हम पहले बताने कोशिश किया था पर आपको मिलने टाइम ही नहीं होता है। आमो सर जो आमो सर का घर में ट्यूशन खोल के रखा है, एक्चुअली वो उसमें ज्यादा बिजी होता है। स्कूल में भी कभी दिन आता है, कभी दिन ज्यादा, मैक्सिमम वो एब्सेंट ही होता। वो आने से भी बच्चा लोग को पिटाई देके अच्छे से भी नहीं पढ़ाता है, ऐसे ऐसे करके वो चला ही जाता है। मैक्सिमम तो वो ऐसे ही करता है आजकल। वो ट्यूशन में सबसे बिजी होता है क्या? ओ अच्छे से। भीम सर, मैम जो बोल रहे सही है क्या? यस मैम, आपसे बहुत पहले ये बात शेयर करना चाहता था। इवन ही इज नॉट सिंसियर एट ऑल। अच्छा ऐसे है? जी। तो ऐसे होने से तो बच्चा लोग भी बर्बाद हो जाएगा और उसका पेरेंट्स यहाँ आके हम लोग को कम्प्लेन करेगा। हाँ मैम। तो ये सब चीज़ तो होना नहीं चाहिए था, आप लोग इस तरह मीटिंग में भी तो बात कर सकता था उसको। हाँ मैम। तो ठीक है, आज तो हम जान गया वो ऐसे है बोलकर, तो उसका एक्शन मेरा हाथ में नहीं है। जो एक्शन लेगा हाई अथॉरिटी लेगा उसको। आप लोग अमो सर जैसा नहीं होना है। अमू आप निकल रहे क्या? हाँ। घर में चावल भी नहीं और सिलेंडर भी लेना था, आपका पेमेंट नहीं आया क्या? क्या पेमेंट लगा के रखा है? दो तीन महीना से पेमेंट नहीं आया बोल के मालूम होते हुए ऐसे बोलता है। लो एटीएम रखो। आप पर क्या सरकारी नौकरी है जो तीन चार महीना से पेमेंट नहीं मिल रहा है? हेलो भैया, नामको बोल रहा है। भाई को डॉक्टर जो सिलोंग रिपेयर कर दिया भैया, आज जिससे भी शाम तक 2,00,000 रुपए डिपॉजिट करना है। बहन मेरा पास वो नहीं है तो पैसा नहीं है तो क्या करेगा? भैया कितना साल से आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आपका सेविंग्स कहाँ है? होगा, हम शाम तक तेरे भाभी को बोल के दार करने देगा। ठीक है भैया, आज जिससे भी। हाँ भैया प्लीज प्लीज। होगा, हम शाम को कॉल करेगा। Excuse me, sir. प्रिंसिपल मैम ने आपको याद किया है। प्रिंसिपल मैम ने बुलाया। थैंक यू सर। ओके बच्चों आप लोग बैठो, हम अभी आएगा।
आपको पता नहीं था क्या कल दीदी एसी सर इंस्पेक्शन के लिए आ रहा था बोल के? मैम पता था, लेकिन कल मेरा बीबी बीमार हो गया था, उसको हम मेडिकल लेके गया था, उसके लिए सॉरी मैम। हमको सॉरी बोल के आपको कोई फायदा नहीं है, आपका नाम को कल दीदी एसी सर नोट करके लेके गए, तो उसी से अभी आपको बात करना पड़ेगा। और हम सुना है कि आप अपना घर में स्कूल खोल दिया। मैम जो भी सुना है वो गलत है एक्चुअली। आपको तो पता ही है हम लोग का 2-3 महीना तक सैलरी अच्छे से भी नहीं आता है बोल के, और ये बच्चा जो ट्यूशन का बात कर रहा है वो हम फ्री एजुकेशन देता है, ताकि जो बच्चा ट्यूशन एफोर्ड नहीं कर पाता है वो बच्चा लोग का हम फ्री ट्यूशन देते हैं। बस हमको ये सब सुना के कोई फायदा नहीं है, अब अभी हाई अथॉरिटी से बात करना पड़ेगा और उसी से कुछ करना पड़ेगा। एंड यू मे गो नाउ। ये लो और फ्री में पढ़ाओ। ये लो अपना एटीएम रखो। तुम कहाँ जा रहे? तेरा घर में मेरा कोई काम नहीं है, मैं अपना घर भेजने जा रहा। अरे तुम पागल हो गया रे? हाँ पागल हो गया।